बिकॉज ये ख्याल ही मेरे लिए इतना तकलीफ दे था दट कुछ मिसिंग था मेरे अंदर एक फिल्म का प्रीमियर था आई कॉन्ट टेल यू हाउ गुड इट मेड मी फील तो अभी तो मैं बहुत वेरी वेरी हेल्थी ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग या की याद में फ्राइड एग Not half but full. Lamb seek kebab. Prunes for my constipation. And two wheat toasts. Butter lagega like this And of course, my cup of tea. alaikum ji. Welcome back to my channel. Update on my back pain. Much, much, much better. कल मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा न्यूरोफिन की डोज ली है जबकि तीन दफ़ा लेनी थी एंड दैट कैप मी गोइंग थ्रू आउट द डे एंड तो इस गेटिंग बेटर फ्राइडे को मैं जा रही हूँ मैनचेस्टर और सैटरडे को हमारा प्लान है कुछ हमारे ग्रुप का बहुत अच्छा सा तो उसको फॉलो करेंगे अभी मैं सोच रही थी मैं नाश्ता लेके मैंने एक ड्रामा देखना शुरू किया बिकॉज़ काबली पुलाव और इडियट जो हैं वो तो चल रहे हैं प्लीज़ उनके एपिसोड के लिए वेट करना पड़ता है आई आवर स्क्रोलिंग डाउन तो एक ड्रामा मुझे नज़र आया दुश्मन एंड एक पूरा सीन मेरे आँखों के सामने से गुजर गया एक फ़िल्म का प्रीमियर था बल्कि उससे भी बहुत पहले मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया था फ़ॉर कैरेक्टर फॉर अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर इन दिस ड्रामा और वो ये कहानी थी दो ट्राइबल औरतों की जो कि लीड करती हैं अपने अपने इलाकों की हैं और दुश्मनी में ये चाहती हैं कि उनकी नस्ल मिट जाए और कोई आगे ना जाए सो बेसिकली यही दुश्मनी चलती जा रही है तो उन दो औरतों में से एक मैं थी और दूसरा सानिया का नाम आया था मेरे पास तो आई रिल लव द स्क्रिप्ट मैंने पढ़े कोई आठ नौ एपिसोड्स पढ़े मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला कहाँ है मैंने एक दो प्रोड्यूसर से कहा कि उनसे वो स्क्रिप्ट लेके बनाएं आप लोग बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट है तो वो बात वहीं रह गई फिर मुझे किसी ने बताया कि हाँ उस पर डायरेक्टर का नाम था वो मुझे याद था तो मैंने उस प्रीमियर में आई मेट हिम तो मैंने कहा भाई वो स्क्रिप्ट का क्या हुआ कहाँ गया वो स्क्रिप्ट आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर देट तो ही सेड कि अगर मैं उसको दोबारा शुरू करूँ तो आप करेंगी मैंने कहा ऑफकोर्स मतलब मैं तो इतने लोगों से बगैर आपके कहे मार्केटिंग भी कर चुकी हूँ बोल भी चुकी हूँ इस पर बनाए ही सेड ओके गिव मी समाइम पो थिंग स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड एज़ लक वुड इट Uh, जब तक वो प्लान्स जो थे वो प्रोडक्टिव हुए तो मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी कि उनका कैंसर जो था वो स्प्रेड हो गया था लास्ट स्टेज पे और वो जो मसले होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगे तो मैंने सारे प्रोजेक्ट्स मना कर दिए एक्सेप्ट जो मेरे पुराने कमिटमेंट थे जो चल रहे थे बस वो मैंने ख़त्म करने थे और बाकी नए प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं लिए कोई भी नहीं कमिट किया बिकॉज़ ये ख्याल ही मेरे लिए इतना तकलीफ दे था दैट माय मदर वुड कॉल अपॉन मी एंड आई कान बी देर फॉर हर एट वंस तो इस तरह से फिर वो मुझसे बहुत नाराज़ भी हुए जब उन्होंने सारा प्लान कर लिया कास्टिंग फाइनल कर ली मुझसे बात हो गई तो जब मैंने ये देखा और मैंने सोचा मुझे गलत तो बहुत लगा बट आई थॉट कि नहीं माँ से बढ़ के कुछ नहीं है रिश्ते पहले तो वो बहुत अच्छा ड्रामा बना हुआ है वो मैं देख रही थी तो मुझे वो सब याद आ रहा था क्योंकि जो जो मैंने पढ़ा था तो बहुत अच्छा शूट हुआ हुआ है तो मैंने वो शुरू किया हुआ है आजकल देखना तो नाश्ता करते हुए तो नहीं मैं खाती नाश्ता करते हुए आई लाइक कि मैं बाहर देखूँ और अच्छी सी एक खामोशी में एंड लुकिंग एट द ग्रीन्स तो मैं इस तरह से नाश्ता करूँ मगर uh, डिनर करते हुए येस आई डू लाइक वॉचिंग टी वी तो बस अभी मैं नाश्ता करके अपनी न्यूरोफिन खाती हूँ एंड आम फीलिंग बेटर इन श प्लान इज ऑन आसमा आधी अधूरी तो ढल जाएगी जिंदगी ढल ही जाएगी आधी अधूरी ओ पूरी हो बहुत अच्छा ड्रामा है भाई काबिली पुलाओ बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं ग्रीन एंटरटेनमेंट का कंटेंट ये ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग था मेरे अंदर इतना अरसा इंडस्ट्री में काम करके एक्सेप्ट फॉर द पीटीवी वाला दौर कि हमारे पास डिफरेंट कंटेंट की कमी थी कुछ कॉलेज गोइंग हीरो हीरोइन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सास बहू के चक्कर इनसे हम निकलें तो काबली पुलाव एंड इडियट दोनों ही बहुत अच्छे ड्रामे अभी मैंने ये दो ही देखने शुरू किए पाकिस्तान में तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता मगर यहाँ पे ज़रा सा रात में टाइम मिलता है तो मैं देखती हूँ तो जी एग्जैक्टली exactly, थोड़े से मैं वो नीचे वाले गेस्ट रूम के पर्दे चेंज कर रही थी जो मैं पाकिस्तान से बनवा के लाई थी वो बहुत छोटे थे तो उन्हें मैंने खोल के मेरी होम इकनॉमिक्स काम आई है तो उन्हें मैंने खोल के कटर से बड़ा किया है तो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक नीचे वाले कमरे का टाइम फॉर सम लंच एंड ड्रामा अभी मैंने पर्दे लगा दिए नीचे कमरे में बहुत आहिस्ता आहिस्ता नॉट ओवर डूइंग इट और कपड़े तो मशीन में ही डालने थे वो मैंने डाले और निकाल के किचन में डाल दिए तो ऐसा ऐसा काम समेटूँ जाने से पहले आई वॉन्ट एवरी थिंग टू बी डन तो अब मैं ज़रा अपना ड्रामा देखूँगी और साथ में लंच गुड मॉर्निंग जी आज मेरा दूसरा सेशन था मैं अभी वो करा के आई हूँ इट टेक्स अबाउट टेन मिनट्स फॉर अ सेशन तो काफ़ी देर मैं वेट करती रही फॉर माई टैक्सी एंड आई एम डन एंड अपेरेंटली आफ्टर दो सेशंस के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा uh, फ़र्क मुझे लग रहा है अगर किसी चीज़ का तो वो लग रहा है आइसिंग का और पेन किलर्स जो मैं खा रही हूँ ये मेरा नाश्ता कंप्लीट आपको दिखाती हूँ तो इससे फ़र्क पड़ रहा है थोड़ा और कल मैंने तीन दफ़ा की बजाय सिर्फ एक दफ़ा पेन किलर खाई थी और आज अभी मैं पहली डोज सुबह साढ़े सवा नौ बजे खा रही हूँ तो लेट्स सी लेकिन आई थिंक आई ट्राई द राइस मेथड रेस्ट आइस पहले वाला ज़रा मुश्किल है C stands for compression and E for elevate. तो अन्या ने भी मुझे यही कहा था कि try this तो देखती हूँ मैं अभी तो मैं ये बना के ले आई हूँ और अपना जो मैंने ड्रामा शुरू किया हुआ है दुश्मन जिसकी मैंने कल आपको हिस्ट्री बताई थी तो उसकी मेरा ख़्याल है एक दो किस्तें ही रह गई हैं वो मैं देख के कुछ कॉल्स वगैरह करनी है कुछ कॉल्स आनी है कराची में प्रोजेक्ट्स वेट कर रहे हैं तो वो मैं साइन करूं जाके और यहाँ डन करूं डेट्स वगैरह सारी तो बस फिर मैं थोड़ा सोऊंगी बिकॉज आपको पता है ना मैं सोती लेट हूँ तो मैं कोई छः बजे तक जाग रही थी आठ बजे मुझे उठना था तो बस हार्डली मैं दो घंटे सोई हूँ वो भी मैं साढ़े सात उठ गई बिकॉज़ जब मुझे उठना होता है तो टेंशन होती है तो चाय मैंने बनाई इतने शौक़ में कि मैं अभी चाय पीऊँगी और दूध ख़राब हो गया तो वो फिर मुझे याद आया कि मिक्स चाय का पैकेट है तो वो मैंने बना के वही आज अपना पुराना नाश्ता कर रही हूँ मक्खन टोस्ट किचन में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि किचन में कल मैंने वो कपड़े धो के सारे कुर्सियों वर्सीियों पे डाले हुए हैं यहाँ बारिश का कुछ पता नहीं होता कब हो जाए तो इसलिए मैंने वो चेयर्स पे और हीटर्स uh, um, पे इधर उधर डाले हुए हैं तो अब भी किचन जो है वो इतना प्लेजेंट नहीं लग रहा कि मैं वहाँ बैठ के नाश्ता करूँ मुझे जी मेरे किसी यूट्यूब फैमिली मेम्बर ने कहा था कि नीचे लेटें एंड बाय द वे आई एम सो सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू मैंने कल अपनी ई मेल्स चेक की अपना इंस्टाग्राम चेक किया एंड देर देर वंड्रेड्स ऑफ मैसेज फ्राम यू ऑल एक्सटेंडिंग प्रेयर्स बेस्ट विशेज एंड थैंक यू सो मच आई कॉन्ट टेल यू हाउ गुड इट मेड मी फील बट राइट नाउ एम नॉट फीलिंग सो गुड एंड द रीज़न इज आज मेरा सेकेंड सेशन था और उसने कुछ ज़्यादा ही कड़ाके निकाले हैं मेरा मुझे लग रहा है कि पता नहीं मे भी कायरो प्रैक्टिस जो है इसका असर थोड़ी देर में होता है या क्या है बट इट पेन हैज़ इनक्रीज अभी मैंने आइसिंग भी की है बट लेट्स सी तो अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि कल जो है अस्मा और शहजाद और सिदरा ये लोग आ रहे हैं वी आर हैविंग ब्रंच एयर वन डिश कर रहे हैं हम uh, मेरी तो कमर जो है वो <laughs> आधी टूटी हुई है मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकूँगी uh, फ्रीज़ हुई पड़ी है वो बिल्कुल वैसी होगी आई गारंटी तो अगर वो लोग चाहेंगे तो उसको गर्म कर लेंगे या फिर मैं कुछ हिम्मत करके कढ़ाई बना लूँगी असमा इज़ ब्रिंगिंग फूड बहुत सारा uh, शिवस टैलिंग में कि वो पुलाव और समोसे एंड बाबी की और, और पता नहीं क्या क्या है तो डिज़र्ट तो मुझे बनाना ही है तो लेट सी कल का प्लान हमारा बहुत मज़े का होने वाला है एंड मैं चाह रही थी कि हम लोग सब इकट्ठे हों एक दफ़ा फिर तो हमने जाना था लेक डिस्ट्रिक्ट आपसे क्या छुपाना आप चलें बता दूँ लेकिन मसला ये हुआ कि कल है बारिश वहाँ पे तो बारिश में तो लेक डिस्ट्रिक्ट का मज़ा ही नहीं आना तो ये सारे मेन्यू वेन्यू उसके लिए प्लान हुए हुए थे जब मेरी कमर का दर्द बेहतर हुआ तो मैं एक्साइटेड होगी कि चलें शुक्र है वो प्लान जो है दैट्स ऑन मगर वेदर कंडीशंस जब चेक की तो उसमें ये हुआ तो मैंने कहा नहीं मिलना तो हमने है तो मैंने असमा से कहा कि लेट्स गेट टुगेदर शहजाद से कहा सिदरा से कहा तो सुबह ग्यारह बजे वो लोग आ रहे हैं शहजाद और सिदरा और लिशबा एंड हया मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड है उसकी भी छुट्टी होगी तो बस ही गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन इंशाल्लाह दिस इज सो क्यूट ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल विल बी ट्रैवलिंग इन अ कार समवन लेफ्ट दिस बुके थैंक यू राइट नाइंगलर एंड सी यू एन वॉल फिर ये मैं फूड लगाऊँगी इतने मज़े के ये समोसे हैं वेजिटेबल समोसे और बड़े चेक करें। बड़े। अभी मेरी नेक्स्ट डोर नेबर आई और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे फिर एक और इन्होंने मुझे इनका नंबर दिया था याद है एक वीडियो में जो चपली कबाब और तिक्के और वो भेजे थे जिन्होंने तो वो भी आई दे वी ऑल सेट डाउन फिर मुझे पेन बहुत हो रहा था मैंने कोई नई आईबो ट्राई की थी जो कि डेंट सीम टू वर्क तो मैं वही जो ओरिजिनल वाली है अपनी नेबर के साथ सेंस गई वो लेके आई फेस ऑयल मैंने कब से नहीं लिया था अनिया को पता चलेगा बहुत अपसेट होगी ख़त्म हुआ हुआ था मुझे सही मिल नहीं रहा था तो बहरहाल वो मैं लेके आई दूध ख़त्म था वो लेके आई एंड नान लिए कल की पार्टी के लिए तो बस यही चल रहा था अभी मैं होपफुली वही वाली अपनी मेडिसिन खाऊंगी बर्फ़ की टकोर करूंगी तो आराम आएगा कुछ तो, तो देन आई कैन ग्रेजुअली फिनिश द किचन कपड़े वपड़े ऊपर रख के आऊँ और अब तो पेन किलर्स भी चलना पड़ेगा बिकॉज़ ये सेकेंड सेशन के बाद तो मैं डर गई हूँ आई एम नॉट गोइंग बैक टू दैम अगेन दे सेड कि आप आ जाएँ विल फिक्स इट बल्कि टेन थर्टी का मैंने उनसे कहा, कहाफ्टी फिफ्टी आई एम नॉट श्योर इफ एल कम और नॉट बिकॉज मेरी पेन का जो लेवल था बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा था वही मोमेंट फिर से रिस्ट्रिक्ट हो गई सीढ़ियाँ चढ़ना ये सब एनी वेज डिसपॉइंटेड के दो सेशन के बाद भी मैं पहले सेशन से पहले वाली स्टेज पे हूँ तो एनी जी कल की पार्टी में आपसे मुलाकात होती है बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मज़ेदार गपशप के साथ बस दुआ करें कि मुझे ये पेन ना हो और आई शुड फील बेटर और ऐसा ही हो कि इसका असर थोड़ा देर में होता हो तो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक तो बस मैं अब ये समोसा अपना पूरा करूं काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए <laughs> और साथ में आधा कप चाय का और पी लेती हूँ फ्रेश दूध लाई तो दैट्स इट और पता नहीं देखूँ तो सिर्फ़ फूल कौन देखे गए इतने प्यारे फूल मैं कल ही सोच रही थी कि पुराने फूलों में से मैंने दो चार डंडियाँ निकाल के रखी बाकी फेंकीं तो जितना उनको चला सकती हूँ चलाऊँ बट जब मैंने जूता चेंज किया और मेरी नेबर गई गाड़ी लेने तो बस मेरी नज़र पड़ी और दिल बाग बाग हो गया इन फूलों की तरह थैंक यू हु एवर यू आर थैंक यू सो मच लव इट ये वाली है जिससे मुझे आराम आता है और ये वाली है जिससे नहीं आता एक मैंने मोटा सा समोसा खाया है और चाय पी रही हूँ साथ फ्रेश दूध की चाय की बात ही कुछ और है तो मुझे दो दिन से चाय का मज़ा ही नहीं आ रहा था क्योंकि एक तो बॉटल ख़राब होगी दूसरी एक्सपायर्ड नहीं थी एक्सपायर्ड थी मगर ख़राब नहीं थी तो एक दिन मैंने उसकी भी चाय पी ली कि कौन जाए और लेके आए तो बस अभी मैं ज़रा इसी ख्याल से खुश हो गई हूँ ये गोलियाँ खा के कि मुझे आराम आ जाएगा तो बस मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की जिस्मानी, रूहानी जहनी तकलीफ से बचाए और अपनी अमान में रखे अल्ला हाफ अल्लाह।